मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, ये जीके का एक सवाल है जो बचपन से याद करते हैं। पर हम दद्दा को कितना जानते हैं, झांसी से आने वाला हॉकी का जादूगर, जो 15-16 बरस का था और सूबेदार बाले तिवारी का शागिर्द बना, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट का हिस्सा थे ध्यान सिंह, और तभी बाले तिवारी की उन पर नजर पड़ी। ध्यान सिंह की बहुत दिलचस्पी थी, वो फौज में भर्ती होने से पहले कभी हॉकी नहीं खेले थे, लेकिन वहां पर सीखे और क्या खूब सीखे। न्यूजीलैंड का दौरा हुआ, कुल 192 गोल भारत की टीम ने किए और उसमें से 100 गोल ध्यानचंद के थे। इसमें एक मैच में हम हार गए। ध्यानचंद से उनके अंग्रेजी अफसर ने पूछा, जॉर्ज साहब ने, ये एक मैच कैसे हार गए? ध्यानचंद का जवाब था, मुझे लगा कि पीछे 10 और खिलाड़ी हैं, वो संभाल लेंगे, लेकिन आगे से मुझे ऐसा नहीं लगेगा, नहीं लगा। पहले तो बाले तिवारी को नहीं लगा, उन्हें लगा कि जो रात की रोशनी में, चांद की रोशनी में भी गेंद की ड्रिबलिंग कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसका नाम तो कुछ और ही होना चाहिए। तो नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गया। ये 1928 के ओलंपिक में पहुंचे, लगातार अच्छा खेले, फाइनल में हमने हॉलैंड को पटका, हॉकी का पावर हाउस। 1932 का ओलंपिक आया, खूब सारी आर्थिक मुसीबतें, कभी बंगाल से पैसा आ रहा है, कभी पंजाब नेशनल बैंक से, किसी तरह पहुंचे। अमेरिका में ओलंपिक हुआ, लॉस एंजल्स में, फाइनल में अमेरिका को पटकनी थी। और फिर 1936 का ओलंपिक, कितने किस्से सुनाए जाएं उसके। हिटलर के सामने जर्मनी को पहले तो ओपनिंग मैच में रौंदने की तैयारी, जबकि बहुत रफ खेल खेला गया, और फिर फाइनल में। और वो किस्सा तो अब किंवदंती बन चुका है, जब जर्मनी के तानाशाह ने ध्यानचंद को बड़े आर्मी अफसर का पद सौंपने की बात कही, उन्होंने इनकार कर दिया। कितनी बातें होती हैं कि उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई, कहीं भीतर चुंबक तो नहीं। मैंने जब जब ये कहानी सुनी तो दिल किया कि पूछूं कि चुंबक तो धातु को आकर्षित करती है, गेंद में तो कोई धातु नहीं होती, फिर ये किंवदंती क्यों? पर कई बार आस्थाएँ ऐसी ही होती हैं, तर्क से थोड़ी सी परे। और ये किस्सा तो वाकई में बड़ा मशहूर है, जब एक अंग्रेजी मैम ने उनसे कहा कि अच्छा हॉकी छोड़िए, ये मेरी छतरी लीजिए, क्या इससे ड्रिबल करके आप गोल कर सकते हैं? और दद्दा ने ये कर दिखाया। क्या हमने मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को संजो कर रखा है? क्या हमें पता भी है कि उनके आखिरी के दिन कितने कष्ट में बीते, उनके इलाज के लिए परिवार को किस तरह की दिक्कतें होनी पड़ी? यही वो सब वजह हैं जिनकी वजह से कभी धनराज पिल्लई ध्यानचंद की पीढ़ी के, ध्यानचंद के वंश के, यानी कि हॉकी के वंश के खिलाड़ी ने कहा था, अपनी हॉकी जला दूंगा और अपने बच्चों को कभी हॉकी नहीं खेलने दूंगा। दद्दा की स्मृति को कोटि कोटि प्रणाम। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।